राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेश का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक गरीब किसान था और उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था। सुरेश और उसकी पत्नी राधा अपनी दो बेटियों के साथ मुश्किल से जीवन यापन कर रहे थे। खेती बाड़ी से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो सके। सुरेश हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता था। हर रात सुरेश और राधा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में जागते रहते थे। वे हमेशा सोचते थे कि भगवान कब उनकी सुनवाई करेंगे। एक दिन सुरेश के एक मित्र महेश ने उसे खाटू श्याम जी के बारे में बताया। महेश ने कहा, श्याम बाबा बहुत कृपालु हैं, उनकी सच्चे मन से आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। सुरेश ने यह सुनकर सोचा कि शायद यही एक रास्ता है जिससे उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सुरेश ने अपने कुछ पैसे इकट्ठे किए और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने का निर्णय लिया। राधा ने भी उसे इस यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, हमारी सारी उम्मीदें अब श्याम बाबा पर टिकी हैं। खाटू पहुंचते ही सुरेश ने मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार को देखा और उसके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि भक्तगण बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। सुरेश ने भी बाबा के सामने नतमस्तक होकर अपनी सारी समस्याएं रख दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मेरी समस्याओं का समाधान करें, मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, कृपया हमारी मदद करें। 3 दिनों तक सुरेश ने मंदिर में रहकर बाबा की आराधना की। उसने निष्ठा और समर्पण से हर रोज प्रार्थना की और बाबा के चरणों में बैठकर ध्यान किया। 3रे दिन उसे स्वप्न में श्याम बाबा के दर्शन हुए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश का हृदय आह्लादित हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सभी परेशानियों का अंत हो गया हो। मंदिर से लौटते समय सुरेश के मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास था। उसने सोचा कि अब वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। घर पहुंचकर सुरेश ने अपने खेत में नई फसल लगाने का निर्णय लिया। उसने मेहनत और लगन से काम किया और हर रोज श्याम बाबा का ध्यान किया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। इस बार उसे इतनी अच्छी फसल मिली कि उसकी सारी आर्थिक तंगी दूर हो गई। उसने अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और उनकी शिक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए। राधा भी बहुत खुश थी और घर में खुशहाली लौट आई थी। समय के साथ सुरेश की मेहनत और श्याम बाबा की कृपा से उसकी स्थिति और बेहतर होती गई। उसने खेती के साथ साथ एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया जो बहुत सफल रहा। अब उसके पास एक अच्छा घर, खेती और व्यवसाय था। उसकी बेटियां भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही थी और परिवार में सभी लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। सुरेश ने हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने का संकल्प लिया और वही से निभाता भी रहा। हर साल वह अपने परिवार के साथ मंदिर में जाकर बाबा का धन्यवाद करता और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करता। उसकी कहानी अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी और लोग उसे श्याम बाबा की कृपा का जीवंत उदाहरण मानते थे। सुरेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि चमन से की गई प्रार्थना और कठिन परिश्रम से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। खाटू श्याम जी की भक्ति और विश्वास से सुरेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह एक सफल और खुशहाल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है, ईश्वर पर विश्वास रखकर और निष्ठा से काम करके किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।